प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर के राहतगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राहतगढ़ वासियों को करीब 3 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी और पुल निर्माण सहित हनुमान मंदिर भूमि पूजन किया। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। शहर के अंदर करीब 3 करोड़ रुपया के विकास कार्यों की भूमि पूजन किए हैं, जिसमें बहुत सारे सीमेंट रोड हैं, मंगल भवन है और 2 करोड़ रुपए का पुल है, एक बहुत बड़ा लगेरा धाम का रोड है 70 लाख रुपए का। तो बहुत सारी समस्याएं राहतगढ़ में थी। जब मैं पिछले बार विधायक था तो जो काम हमने किए थे उसके बाद विकास गति रुक गई। अब मैं पुनः इस राहतगढ़ के लिए विकास जोड़ना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बताया कि यहाँ कुटी जो इंदिरा आवास मिलती है वो भी नहीं मिली है। इंदिरा आवास भी हमने कहा आपको मिलेगी, कोई व्यक्ति रह नहीं जाएगा। और जो भी समस्याएं हैं, समस्याओं का अंत नहीं, पर जो भी संभव होगा वो इस राहतगढ़ के लिए हम पूरी मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा पुल निर्माण के बाद सिरखेड़ा तरफ जाने वाले मार्ग में समस्या आ रही है डैम की। सिरखेड़ा वाला पुल भी बहुत देर से मांग चल रही है, उसका भी हमने प्रस्ताव बनवाया है और हमारी कोशिश होगी कि इस साल नहीं तो अगले साल जितने संभव हो उसके लिए जो पैसा हो वो हम लाएंगे, ताकि वो समस्या का समाधान हो सके। राजपूत जी पार्टी में घमासान चल रहा है, महाराजा बोल रहे हैं रोड पर उतरेंगे, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि उतर जाओ, क्या चल रहा है पार्टी में? कोई घमासान नहीं है, वो जो वचन पत्र में हमने कहा था वो वचन पत्र में बहुत जल्दी लोग उतावले हो रहे हैं। अभी सरकार को 5 साल है, वो कह रहा है कि 1 साल के अंदर हमारी मांगें पूरी कर दीजिए, हमको शिक्षाकर भी कह रहा है पक्का कर दीजिए। तो अभी 5 साल हैं और 5 साल में अगर सरकार पूरा नहीं कर पाएगी तो हमने तक खड़े, लेकिन हमने वचन पत्र तो हमने बनाया है, हमारी पार्टी ने बनाया है, कमलनाथ जी सिंधिया जी ने बनाया है, तो सब लोग मिलकर वचन पत्र को पूरा करेंगे। और अभी इंतजार करिए, जो बन सक रहा है वो ये सरकार अच्छे अच्छा करने का प्रयास कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।